इसराइल ने हमला कर ईरान के कई महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया है। इसके साथ ही 4 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाकर इसराइल ने बमबारी की है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि इसराइल की एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की यूनिट पूरी तरह से तबाह हो गई है और ईरान को इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने में 1 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि बैलिस्टिक मिसाइल की ये यूनिट ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है या किसी दूसरे शहर में। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के खोजिर में भी एक सैन्य ठिकाने पर इजरायली फाइटर जेट्स ने बमबारी की थी, जिसके बाद इस सैन्य अड्डे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दरअसल इजरायल का यह हमला ईरान के उस हमले का जवाब है जो 1 अक्टूबर को हुआ था। वहीं इजरायल के इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने भी इजरायल को एक बार फिर चेतावनी दी है। बता दें कि ईरान के कई नेताओं की ओर से भी इजरायल को एक बार फिर हमले की वार्निंग दी गई है। हालांकि अब इजरायल और ईरान के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इजरायल के हमले के बाद अमेरिका ने भी ईरान को पलटवार न करने की धमकी दी है। हालांकि इसके बावजूद दोनों देशों के बीच टकराव और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने का असर पूरी दुनिया में दिखेगा। ये तो बहुत खतरनाक है चीज़ है। आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाजा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहा है इसराइल में, और अभी साउथ लिबनान भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो, बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12,000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है, उन्होंने इजरायली में मतलब प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे खतरनाक स्टेज है। ये आजकल का कभी कभी किसी तक किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं है उनके लिए प्रधानमंत्री के नतन्याहू मानते नहीं है तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी खतरनाक है ये डिवेलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं तो आप ये समझ लो US में स्टेप अंदर आ जाएंगे, UK भी आ रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटेरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी GCC कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डिवेलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है, देखने के अभी तक अगर कुछ और डिवेलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। अगर आपके लिए हल मसाला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था फलस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फलस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था यहूदी के लिए, तो इसी के वक्त में सिर्फ इसराइल की स्टेट बन गया, फलस्तीन स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फलस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देर इज नो फलस्तीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है, ये तो फलस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम।